सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे मेरे सामने ये वाला इंटरफेस शो हो गया। अब यहाँ से मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये चीज देखनी कि 10+ पोस्ट अ डे होनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम 10K होने चाहिए। यहाँ पे मेंबर 10K होने चाहिए। अब ये 1.1 मिलियन है, ये कभी भी फ्री नहीं होगा, ठीक है, तो इसको हम चेक भी कर लेंगे। चलो ओपन न्यू टैब कर लेते हैं। अब ये 40K 10+ अ डे, ठीक है, इसको ओपन इन न्यू टैब कर लें। 12K है 10 पोस्ट, मतलब एक दिन के अंदर इसके अंदर सिर्फ 10 पोस्ट है, हम इसको नहीं लेंगे। जिसके अंदर 10+ हो हमने वो वाला लेना। अच्छा ये वाला ओपन इन न्यू टैब कर लें, टैब कर लिया। उसके बाद 502K ये वाला ओपन कर लो। ओपन करते जाओ इन सबको ना, एक दफा आप ओपन कर लो। ओपन करने के बाद जिनके अंदर यहाँ पे 10K से ज्यादा ज्वाइनिंग हो मेंबर्स की, और यहाँ से 10+ पोस्ट होनी चाहिए, उसको आपने न्यू टैब में ओपन कर लेना। बाद में हम चेक करेंगे कि इनमें से ये नहीं होगा। अच्छा बाद में हम चेक कर लेंगे कि कौन सा इनमें से हमारे काम का ग्रुप है। जो अभी तक निकाले इनमें से तो कोई भी नहीं है मुझे जो लगता है। अच्छा ये 9.6 के, इसे भी उठा लो। उसके बाद 36 के मेंबर हैं, और जो है ये उठा लो, ठीक है, ये उठा लो। अच्छा जी ये मेरी वैसे पर्सनल आईडी है, मैं इस पे जो है ना इसी पे चलो यूज कर लेते हैं। ये हमारे पास ग्रुप्स की एक ना शॉर्ट लिस्ट आ गई है। यहाँ पे आपने 20 से 25 ग्रुप्स आपने ओपन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले पे जाना है, और उसके बाद हमने इसका अबाउट सेक्शन देखना, ठीक है। अबाउट सेक्शन में जाके देखेंगे तो हमारे पास, हमने अबाउट सेक्शन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखना है यहाँ पे पोस्ट कितनी। यहाँ पे अगर 100+ पोस्ट होना तो वो उसका मतलब है कि वो ऑटो अप्रूवल है, उसमें हम पोस्ट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ पे हमने ज्वाइनिंग देखनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर ज्वाइनिंग हो थोड़ी बहुत भी हो तो चलेगा, ठीक है, कोई ऐसा इश्यू नहीं। और थर्ड नंबर पे हमने जो ग्रुप के अंदर देखना है, पहले 3 पोस्ट के हमने रिएक्शन देखने, 3 घंटे पहले लगी है 121 रिएक्शन, इसका मतलब है वेल एंड गुड है ये ग्रुप। 16 घंटे पहले लगी है 1.4K रिएक्शन से, इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप बहुत ही अच्छा है। थर्ड पोस्ट हम देखते हैं, 16 घंटे पहले लगी है 662 इसके रिएक्शन से, और ये 3 दिन पहले की पोस्ट है 2.8 के रिएक्शन से। यार बहुत अच्छा ग्रुप है ये, ठीक है। लेकिन अब मुझे किस तरह से पता चलेगा कि मैं इसके अंदर पोस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे यहाँ पे इस जगह पे राइट समथिंग, यहाँ पे मैंने क्रिएट अ पोस्ट करनी है, और यहाँ पे मैं हाई की पोस्ट करूंगा। हाई लिखा, पोस्ट कर दी, और ये काम कभी भी ओरिजिनल आईडी से नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे सस्पेंड हो जाती है या इशू बन जाता है। अच्छा देखें ये वाली पोस्ट अब पेंडिंग में चली गई, योर पोस्ट इज पेंडिंग, इसका मतलब है कि ये बंदा जिसका ये ग्रुप पे वो पैसे लेगा हमसे पोस्ट करने के लिए, हम पैसे देंगे उसे तब जाके वो हमें ग्रुप के अंदर पोस्ट करने देगा, ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे और इस ग्रुप को भी यहाँ से खत्म कर देंगे। अब नेक्स्ट ग्रुप पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले 4 घंटे पहले लगी है ये 8884 इसके रिएक्शन है, ये 1 घंटे पहले लगी है 364 है इसके, तो 2 घंटे पहले लगी है 180, और ये भी अच्छा ग्रुप है। अब इसका हम अबाउट सेक्शन देखते हैं, अबाउट सेक्शन के अंदर 59 पोस्ट है, मतलब इसमें ये भी ऑटो अप्रूवल नहीं होगा। फिर भी हम एक दफा अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं यहाँ पे हाई की पोस्ट करके, हाई की पोस्ट की, और यहाँ पे ये भी पेंडिंग में चला गया। तो हम ऐसे ग्रुप्स हमें नहीं चाहिए जो पेंडिंग में रहे, क्योंकि ये पैसा लेते हैं और ऐसे ग्रुप्स के लिस्ट निकालने का कोई फायदा नहीं। ये भी डिलीट कर दिया यहाँ से। अच्छा ये 11K है, इसके देखते हैं इसका क्या सीन है। 5 घंटे पहले पोस्ट लगी है 36 रिएक्शन, ठीक है गुजारा हो जाएगा। 3 घंटे पहले लगी है 75 रिएक्शन होने चाहिए, कम ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता। मेन जिसके अंदर एक दिन आज पोस्ट हुई है ना 3 घंटे पहले, तो उस पर अगर 50+ रिएक्शन है तो इसमें इस वो ग्रुप बहुत ही काम का है। इसके अंदर हमने पोस्ट की और ये डायरेक्ट पोस्ट हो गई है, ठीक है।
अभी हमने ये पोस्ट डिलीट कर देनी है यहाँ से। अगर डिलीट नहीं करते तो बात बात होता कि एडमिन जो है ना हमें ब्लैक लिस्ट में डाल देता। तो मैं यहाँ पे जो है ना एक इसी को मैं रिनेम करके यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिकेट ग्रुप्स। सर एक क्वेश्चन था मेरा, यानी जी पूछो। कि ना कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिनमें के यानी कि डेली की 200 200+ ज्यादा पोस्ट होती हैं, लेकिन जब मैं उनमें पोस्ट करता हूँ तो वो यानी कि एडमिन अप्रूवल पे चली जाती हैं। यार वो ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात ना कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जिस बंदे का ग्रुप होता है ना वो खुद से जस्ट अपलोड कर रहा होता है, ठीक है, इस वजह से भी हो जाती है। कोई ऐसे ग्रुप्स ना 100 में से कोई 2 3 निकलते होते हैं जिनमें ऐसा होता है, अदरवाइज जिसकी 100+ पोस्ट है ना वो ऑटो अप्रूवल ही निकलता है मोस्टली। और ऐसा भी होता है यानी कि पोस्ट मैं करता हूँ ना, जो ग्रुप चेक करने के लिए पोस्ट हो जाती है, लेकिन जब मैं उसे डिलीट करने लगा हूँ तो तब वो डिलीट नहीं होती, वो खुद ही यानी कि रिमूव हो जाती है पोस्ट। रिमूव हो जाती है वो। ऐसा होता है कि एडमिन ने ना सेटिंग के अंदर से जाके लगाया होता है कि अगर कोई बंदा इररेलीवेंट पोस्ट करता है ना, यानी कि ग्रुप अगर क्रिकेट का है तो कोई और पोस्ट करता है, वो खुद ब खुद डिलीट हो जाती है। समझ आ रही बात? जी, ठीक हो गया। अच्छा, ये ग्रुप हमने निकाल लिया, इसको यहाँ से हमने कॉपी करना है और ये जो हमने नोटपैड बनाया इसके अंदर इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया, हमारे पास एक ग्रुप निकल आया। अब हमने सेकंड वाला ग्रुप, ये डिलीट नहीं करना यार, सेकंड वाला ग्रुप हमने देखना, इसके अंदर जो है कल लगी है पोस्ट 7:14 AM पे लगी है, 2.1K रिएक्शन, ठीक है। इट्स मीन ये भी यार ना, अब मैं इसका अबाउट देखता हूँ, अबाउट में सिर्फ 20 पोस्ट है, इट्स मीन ये पेड ग्रुप है। उसके बाद मैं यहाँ से ये वाला ग्रुप देखता हूँ, सबसे पहले मैं इसका अबाउट चेक करता हूँ। अबाउट में इसके 48 पोस्ट हैं, ये भी डिलीट कर दें। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका देखता हूँ, 18 पोस्ट हैं, ये भी हमारे काम का नहीं। अच्छा, ये सारे अब खत्म कर देते हैं, एक हमें ग्रुप मिल गया, अब उससे मैं 100 ग्रुप्स निकाल सकता हूँ। किस तरह से निकालना है, मैं ना इसके इस वाले के ना फाइल्स के अंदर जाता हूँ यहाँ पे, और मीडिया के अंदर जाता हूँ और यहाँ से वीडियो सिलेक्ट करता हूँ। वीडियो सिलेक्ट कर ली, अब यहाँ से मैं कोई भी एक वीडियो चला लेता हूँ कि इस तरह से ये फर्स्ट वाली मैं चला ली, ठीक है, ये वीडियो मैंने चला ली। अब मैं इसके इस बंदे के पेज पे जाता हूँ जिस बंदे ने ये वीडियो लगाई हुई है, ये जो है ये इसके पेज पे मैं चला गया। इसके पेज पे जाके मैंने देखा कि कोई इसने शेयर वगैरह किया हुआ, शेयर वगैरह नहीं किया, तो मैं देख जाता हूँ, अपने ग्रुप के अंदर आ जाता हूँ। ग्रुप के अंदर आके मैं अगेन कोई जो है ना, मैं यहाँ से थोड़ा सा देख जाता हूँ, यहाँ पे मैं कोई और पोस्ट देखता हूँ, यहाँ पे वन एक शेयर दिया हुआ, शेयर चेक करने, और यहाँ पे 3 कमेंट है, शेयर चेक करने जस्ट हम जो शेयर होंगे वो ग्रुप्स के अंदर होंगे और हम वहीं से अपने ग्रुप्स उठा लें। एक शेयर दिया हुआ, ये देखो ये शेयर दिया हुआ है, यहाँ से हम चेक करेंगे किसने शेयर दिया, कौन से ग्रुप ने दिया। अब किसी बंदे ने ये शेयर दिया है लेकिन ग्रुप के अंदर नहीं दिया, वो जस्ट उसने अपने प्रोफाइल के ऊपर शेयर दिया। इस ग्रुप के अंदर इतना ज्यादा काम नहीं हो रहा, इसका मतलब यही है। अच्छा, मैं यहाँ पे कोई और कोई सेल कोई फेमस का नाम सर्च कर लेता हूँ, जिस तरह मैं करता हूँ, बाबर। बाबर आजम सर्च किया, ग्रुप्स पे आया, ग्रुप्स पे आके यहाँ से पब्लिक ग्रुप किया। अब मैं यहाँ से देखता हूँ 154K, 2.3 मिलियन, ये तो होएगा ही नहीं क्योंकि इसके अंदर तो कंफर्म बात है कि ये नहीं हो सकता। मैं इसको ओपन करता हूँ और उसके बाद बाबर आजम में इसको ओपन करता हूँ,
और मैं इसको ओपन करता हूँ। रैंडम मैंने 4 से 5 ग्रुप्स ओपन कर लिए। अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट वीडियो लगी हुई है, इसने 33 शेयर दिए हुए, ठीक है। इसके शेयर्स पे हमने क्लिक करना है, इस बंदे ने शेयर दिया हुआ, शेयर पे क्लिक करना है। अब ये वाले प्रोफाइल शेयर है, कोई ना कोई इसने ग्रुप शेयर भी दिया होगा, कि ग्रुप के अंदर भी शेयरिंग दी होगी लाजमी। नहीं दी, चलो हम कोई और वीडियो देख लेते हैं। अगर इसने नहीं दी शेयरिंग, 4 शेयर इसने दिए हुए, यहाँ पे ये शेयर शो नहीं हो रहे क्योंकि इसने प्राइवेट ग्रुप्स के अंदर शेयर दिए हैं। और उसके बाद 2 शेयर्स, 3 शेयर्स, भाई लोग पेड काम कर रहे हैं, पेड ग्रुप्स लिए हुए हैं, उन पे लगे हुए। और ये बंदा जो है ये जस्ट प्रोफाइल शेयरिंग से काम चला रहा है। चलो खैर हम ढूंढ लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। कमेंट, मैं इसका पेज ओपन करता हूँ। ये जिस बंदे ने वीडियो अपलोड किया ना, उसने कंफर्म कंफर्म बात है, उसने शेयर भी दिया होंगे, इसका भी पेज ओपन कर लो। 12 शेयर ये दिए हुए, इसको चेक करते हैं, शेयर को नहीं हो रहे शो क्योंकि प्राइवेट ग्रुप्स में दिए। अच्छा ये शेयर है, ये इसका ग्रुप है, और शेयर 140 दिए, ये नहीं शो होंगे। ये 164 इसने शेयर दिया हूँ। यहाँ से शेयर के ऊपर क्लिक करना है हमने, और अब हमारे सामने इसके जितने भी ग्रुप्स हैं या इसने प्रोफाइल शेयरिंग के सारे शो हो जाएगा। अब देखो इसने जो है ये एरो नजर आ रहा है, ये वाला, इससे आगे वाला ग्रुप होता है और इससे पीछे वाली आईडी होती है, जिस आईडी से शेयर दिया था। अब मैं ये वाला ग्रुप ओपन कर लेता हूँ ऊपर इन न्यू टैब। अब मैं सेकंड नीचे जाता हूँ, यहाँ पे ये वाला ग्रुप है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और ये जितने भी होते हैं ना, ये ऑलमोस्ट सारे के सारे फ्री होते हैं, यहाँ पे इसको ओपन नहीं की न्यू टैब। अब यहीं से हमको 153 मिल गए हैं, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है अभी इसके अंदर। ये सबसे वेल एंड गुड तरीका है इसका, बाकी एक्सटेंशन वगैरह भी। ये 247 मेंबर ये अपना ग्रुप कोई लगाया हुआ है, इसके साथ ये छोड़ दो पाकिस्तान क्रिकेट, ये 12 के इसके अंदर मेंबर है, ये ओपन कर लो। और उसके बाद वहाब रियाज 31.4 के, ये भी ओपन कर लो। ओपन इन न्यू टैब करते जाओ, यहाँ पे ये ओपन हो रहे हैं साथ साथ। पीटीवी स्पोर्ट्स 8.3 के, ये भी ओपन कर लो। शादाब खान, बाबर आजम 2.5 के, वो छोटा ग्रुप है इसको छोड़ दो। और बाबर आजम 2.9 के, ये छोड़ दो। 5.9 के, ये भी छोड़ दो। लेकिन इनके अंदर ना वीडियोस चली जाती हैं वायरल, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप रख सकते 72 मेंबर, ये अपने ग्रुप साथ इसने लगाए हुए हैं, ये अपने ग्रुप्स ग्रो कर रहा है, ये ओपन कर लो। 24 के, 24 के, ये वही वाला है ऊपर जो हमने 24.8, 24.8 वही है। अच्छा जी, अब मैं ये वाला देखता हूँ, तो ये 154 के, बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप से यार मिल जाते हैं। 3.7 छोड़ दो इसको, और यहाँ पे 6.7, ये भी छोड़ दो। 2 के, ये भी छोड़ दो। अच्छा जी, एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया ग्रुप्स फाइंडिंग का। सबसे पहले हमने जो है ग्रुप फाइंड किए हैं, ग्रुप फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बाय सर्च मैनुअल तरीके से हमने ग्रुप्स फाइंड किए। मैं आपको यहाँ पे नोट पैड पे लिख भी देता हूँ, ग्रुप्स फाइंडिंग। सबसे पहले हमने सर्च करके ग्रुप्स को फाइंड किया, सर्च बाय कीवर्ड्स, कीवर्ड से हमने सर्च किया। उसके बाद हमने जो मेथड देखा, वो किसी बंदे की वीडियो उठाई, उसके नीचे जो उसने शेयर दिए हुए हैं उनको हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद जितने भी उसने शेयर दिए हुए हैं, यहाँ से हम उनको पिक कर लेंगे। अब मैं यहाँ से ना ये वाला भी देख लेता हूँ, 16 के, इसके अंदर है, और इसके अंदर मोहम्मद आमिर 2.5 के। अच्छा मैं यहाँ से ना पहला वाला ग्रुप ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं पोस्ट करके चेक भी कर लेता हूँ कि वाकई इनके अंदर पोस्ट होती है या नहीं। ये छोटा ग्रुप, मैं कोई बड़ा ग्रुप देखता हूँ, पीसीबी, इसके अंदर
अंदर 38 के मेंबर मैं इसके अंदर चेक करता हूँ पोस्ट करके। हाय, तो इसके अंदर ये देखें डायरेक्ट पोस्ट हो गई, ठीक है। तो उसके बाद जो है इसके रिएक्शन वगैरह भी देख लो, ठीक है। इतने मतलब पोस्ट में डिलीट कर दूँ, अच्छा जी ये हो गया। अब सेकंड जो हमने सर्च किया, किसी के ग्रुप को उठाना, किसी के पेज को उठाना और उसके कमाई हुई मेहनत, जो उसने अपनी मेहनत से ग्रुप्स निकाले हैं उनको हमने उठा लेना, वैसे के वैसे ही हमने कॉपी कर लेना, ठीक है। तो सेकंड तरीका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय अदर्स पेजेस, किसी और के पेजेस से हम जो है ग्रुप्स को फाइंड कर सकते हैं। और मैं जो फाइंड करना करता हूँ ना तरीका, ये ही है और कोई भी नहीं मैं यूज करता, बाकी मैं बता आपको सब देता हूँ। मैं इसी तरीके से फाइंड करता हूँ। अब इसने 12 शेयर दिए, ये नहीं हो रहा ओपन। अब मैं देखें कोई और, ये 31 के है, इसके अंदर ये 8 के, कोई और ग्रुप, कोई बड़ा सा ग्रुप मैं देखता हूँ, ये 154 के है, ठीक है। इसके अंदर मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों ने वीडियोस भी अपलोड की होंगी, तो उसके अंदर वीडियोस को मैं चेक कर लूंगा। अब इसका नहीं पेज हो रहा ओपन, तो ये भी चेक किया, 6 शेयर। हमने ना सबसे पहले हमने देखनी होती है वीडियो, अगर किसी बंदे की वीडियो अच्छी जा रही है और उसने शेयर यहाँ पे दिए हुए हैं, शेयर नीचे शो हो जाते हैं, अगर शो नहीं हो रहे शेयर तो उसके सीधे यहाँ पे पेज पे जाना, पेज पे जाके फिर उस वीडियो को फाइंड करना, वीडियो को फाइंड करके नीचे से सारे शेयर निकाल चुप करके। अच्छा जी, मैं इन सब टेब को क्लोज करके एक और मैथड में आपको बता दूंगा। ये जितने मर्जी ग्रुप्स आप फाइंड कर सकते हो विद इन 2 आवर्स और 3 आवर्स, 3 या 4 घंटे लगेंगे आपको, जितने दिल करता उतने ग्रुप्स निकाल लो। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक एक्सटेंशन ऐड करता हूँ, यहाँ पे आना, 3 डॉट पे क्लिक करना, मोर टूल पे क्लिक करना, एक्सटेंशन पे क्लिक करना और यहाँ से ये डेवलपर मोड ऑन कर देना, और यहाँ पे साथ लोड अनपैक्ड पे क्लिक करना, और जिस जगह पे आपकी एक्सटेंशन पड़ी होंगी उस जगह पे जाना, और ये वाली एक्सटेंशन हमने ऐड कर देनी है, ग्रुप आईडीज एक्सट्रैक्ट ये वाली, और यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर कर देना, ये आगे इसके अंदर एरर आ रहा है, एरर के ऊपर क्लिक करना, क्लियर आर कर ऑल करना और यहाँ से अगेन कर देना। अब यहाँ पे ये ऐड हो गया, इसको पिन कर दें और इसको क्लिक कर दें इसके ऊपर। अब हमारे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसा सीन आ जाएगा। अच्छा जी, अब मैं कोई वीडियो देखता हूँ। अब मैं जो है ना क्रिकेट यहाँ पे लिखता हूँ और कोई ना वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ। वीडियो के ऊपर क्लिक किया, अभी भी ये देखें ये लाइव चल रहा है, और सबसे बेस्ट तरीका क्रिकेट के मैचेस को पेजेस के से निकालने का ना ग्रुप्स उसके। अब अब यहाँ पे इसने शेयर दिए 11, अब इसको चेक करो, ये देखें नसीम शाफिन, बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप्स मिलेंगे आपको यहाँ से, 34.3 के, ये फ्री वाले ग्रुप्स हैं, ठीक है, 40 के, ठीक है, मोहम्मद रिजवान के नाम से 68 के, नसीम शाह 68 के, मोहम्मद रिजवान 35 के, अभी ये शेयरिंग देता रहेगा। अभी हम कहते हैं जी हमारे व्यूज नहीं आते, व्यूज नहीं आते, व्यूज इस तरह से आते हैं। अब देखो इस बंदे ने जो है 11 शेयर दिए और अभी भी अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ तो ये शेयरिंग देता रहेगा, ठीक है। अभी 2 से 3 मिनट बाद देखना यहाँ पे शेयर बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अच्छा और शेयर सर, ये जो देखने इसने शेयर दिए हुए हैं 11 शेयर के, देखे इसने तकरीबन सारे एक ही आईडी से दिए हुए हैं। मैं देखता हूँ, नहीं एक आईडी से दिए हुए ना उनका जो है, अभी आईडी इसकी ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन चलेगी सस्पेंड हो जाएगी। 8 शेयर दिए, 11 शेयर दिए हैं एक आईडी से, आप भी दे सकते हैं। मैं 18 शेयर एक आईडी से देता हूँ जब मैं ड्रामा को लाइव करता हूँ। यानी इसका क्या फर्क होता है सर, एक इसका आईडी से पता ज्यादा शेयर देना और कम एक आईडी से 2-3 शेयर देने में क्या यानी डिफरेंस क्या आता है? क्या मसला, जब हमने जो है ना
एकदम से शेयर देने होते हैं ना, तो एक ही आईडी को, क्योंकि ड्रामा होता है 20 से 25 मिनट को होता है जस्ट, उसके लिए मैं तो एक आईडी यूज करता हूँ, सारे शेयर एक आईडी से दे देता हूँ। लेकिन अब जो है ना, इस बंदे का मुझे भी नहीं समझ आ रहा कितने ऐसा, क्योंकि या तो इसके पास सेटअप कम है या जो भी सीन है, आई थिंक आई डोंट नो, बट मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि एक आईडी से 3 शेयर दें जस्ट। उससे आपकी आईडी भी सिक्योर रहेगी, आपका पेज भी सिक्योर रहेगा, और आपको किसी किस्म का कोई जो है ना खतरा भी नहीं होगा आपके पेज को। ठीक है, अब ये शेयर दे रहा है, इसने रिस्क लिया हुआ, इससे ये आईडी तो कन्फर्म इसकी चली गई है, ठीक है, ये नहीं बचेगी। और इस पेज को, इस पेज की हेल्थ पे इफेक्ट होता है, जब भी होता है शेयरिंग से पेज उड़ भी जाता है बाद कभी कभी रह भी जाता है। तो अब इसमें मेरा ख्याल से और ऐसा कोई सीन नहीं है, आप भी दे सकते हैं आईडी से शेयर, लेकिन उसका क्या फायदा जब एक आईडी जस्ट एक दफा यूज होनी है, उसका उसका तो नुकसान ही होना है ना, फायदा तो नहीं ना हो, नहीं ना है उसका। जी जी ये ठीक हो गया। अब मैं चलिए, तो इसने जो है ना 11 शेयर दिए हुए हैं, और ये 4 घंटे पहले इसने स्ट्रीम की है 2.148 के मीन, इट्स मीन ये इसका वॉच टाइम बस कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा बहुत ही रहता है, 38 शेयर इस पे दिए। इसने ना सारे अच्छे ग्रुप्स के अंदर शेयर दिए हैं, ये कन्फर्म बात है, आप इसके सारे ग्रुप्स निकाल लें। कोई और वीडियो देखता हूँ मैं इसकी, 737 मोहम्मद रिजवान। मैं ना इसका आपको ना इसके पेज का मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ आपको, और ये सजेस्ट करता हूँ कि इसके जितने भी ग्रुप्स हैं ना वो सारे निकाल लें, ठीक है, समझ आ जी रही है। ठीक ये मैंने ना लिंक सेंड कर दिया, आप इसको कॉपी करके रख लें और इसके सारे ग्रुप्स आप निकाल लेने। इसके ना जो है 50+ ग्रुप्स होंगे, ये 58 ग्रुप्स हैं, इसमें कुछ भी इसने प्रोफाइल शेयरिंग भी की हुई है, देखो हर आईडी से डिफरेंट शेयर, ये और आईडी, ये और है, ये 4 शेयर दिए हूँ, 1 2 3 4, 4 शेयर एक आईडी से दिए, और सारे के सारे प्रोफाइल शेयर हैं, ये देखो 3 घंटे पहले, ये 2-4 मिनट का गैप रख के इतने दिए, 57 के, ये सारे फ्री ग्रुप्स हैं, जैसे ये कन्फर्म कि बात है, ये आपने सारे प्रोफाइल शेयर ये तब भी देते हैं जब यानी कि वो हाई रीच आईडीज हो, 5-5 हजार जी हो जी बीच में फ्रेंड। जी नहीं ऐसा भी नहीं होता, इसके अब 5 फ्रेंड नहीं होंगे, ये मैं चेक करता हूँ, ये प्रोफाइल पेज इसने शेयर पेज के ऊपर दिया, या ये देखें इसके 5,000 फ्रेंड हैं, ठीक है, नजर आ रहे हैं। ठीक अब मैं ये ओपन करता हूँ, तो इसके जी अंदर जो है ना इसके ये इसका पेज है, ठीक है, ये 57 के इसके फॉलोवर हैं इस पेज के, 5.7 के, ये तो या तो इसका ये रेड हो गया या कोई और इशू बना है, आई थिंक इसका रेड हो गया होगा, तो इसने शेयरिंग के लिए ये जो है ना रख दिया होगा पेज। और उसके बाद अगर मैं कोई और चेक करता हूँ, ये वाली आईडी इसकी चेक करता हूँ, तो ये सारी हाई रीच आईडीज हैं यार, देखो 3.8 के इसके हैं फ्रेंड्स हैं हमारे पास। अगर ना मैं आज आपको बस इंशाल्लाह थोड़ी देर तक आपको एक स्केच बना के दूंगा कि किस तरह से हमने काम करना, अब ये अगर समझदार बंदा हो ना, इसके एक पेज से, इसके इस वाले पेज से कहाँ पे चला गया है, इस वाले पेज से स्पोर्ट 293, इसके इस पेज से हम क्या कर सकते हैं जी, ये आईडी यहाँ से ओपन कर ली, ये आईडीज ओपन करके हमने देखना आईडीज के ऊपर इसने क्या क्या शेयर किया हुआ है, ठीक है। अब मैं सपोज इस आईडी के अंदर इसने ड्रामा शेयर किया हुआ है, यहाँ से मैं चेक करता हूँ, ये रहा, ये इस आईडी के ऊपर इसने ड्रामा शेयर किया, अब हमें यहाँ से ये वाला पेज मिल गया ड्रामे का, ठीक है, इसको ओपन करो और इसको ओपन करके यहाँ से इसको देखो कि इसके ड्रामे पे कितने शेयर हैं, कौन सा ड्रामा यूज कर रहा है। देखो यार मैं आपको चीज बताने को बता दूंगा, मेरा ऐसा कोई इशू नहीं है, बट चीजें आपने खुद से फाइंड करोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। अब इसने 7 शेयर दिए हैं, अब ये या तो पेड ग्रुप्स होंगे, अगर पेड नहीं तो ये प्रोफाइल शेयर है, सारे प्रोफाइल शेयर इसने ऐसे दिए हैं कि इसकी सारी आईडीज जो है हाई रीच आईडीज हैं, ये एक इसने दिया हुआ इसके ग्रुप के अंदर शेयर किया,
ये इसके अपने ग्रुप्स होंगे, साथ साथ अपनी ट्रैफिक भी जो है ना, ये देखें 22 के इसके फॉलोअर हैं इस पेज पे, इसका काफी अच्छा सेटअप होगा। समझ आ रही है मेरी बात या कंफ्यूज ही हो रहे हो? हेलो, जी, आ गई है समझ में। मैंने कहा वो एक ही पेज से आगे कितने ज्यादा निकले हैं। जी, वही मैं बता रहा हूँ कि देखो एक पेज से हम जितने मर्जी ग्रुप्स निकाल लो यार, ग्रुप्स का तो कोई इशू ही नहीं है। अच्छा जी, मैं इस वाली एक्सटेंशन की बात कर रहा था कि ये एक्सटेंशन कैसे यूज करनी है। मैंने ये इस पे क्लिक किया, इस वीडियो पे क्लिक किया, ठीक है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इसका जो है ना लिंक ले लूंगा, यहाँ से कॉपी लिंक, एक सेकंड, कॉपी लिंक किया और इसके अंदर मैंने ला के पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं अगेन एक और वीडियो उठा लेता हूँ, ये वाली उठा लेता हूँ, ये वाली वीडियो उठाई, यहाँ से इसका भी कॉपी लिंक किया, और यहाँ पे ना 3 से 4 वीडियोस का आपने लिंक उठाना। लिंक यार इस तरह से तो नहीं आता, खैर वो दूसरी तरह से आता है लिंक, मैं चेक करता हूँ एक सेकंड किस तरह से ये, किस तरह से शो नहीं होता वो लिंक, दूसरा तरह से होता है ये वाला लिंक होता है ज्यादा यूज। चलो मैं एक दफा इस पर ट्राई करता हूँ, मैं इस पर स्टार्ट कर दूंगा, जितने ग्रुप्स के अंदर इसने शेयर दिया होंगे वो नीचे हमारे सामने उनकी आईडीज भी आ जाएंगे, उनके नेम भी आ जाएंगे। देखते हैं अभी इस तरह से काम करता है या नहीं करता, अगर इस तरह से नहीं करता तो हम इसको दूसरे तरीके से यूज करेंगे इस एक्सटेंशन को। इतनी देर में आपको नेक्स्ट दे के चलता हूँ। एक टाइम में 3 से 4 पेजेस को मैनेज कर रहा, और यार इस ये पेज का मैंने आपको लिंक दे दिया, इस पेज से आप हर एक नीच के आप ग्रुप्स फाइंड कर सकते हो, जिस तरह के चाहो। इस पे वाचिंग देखो इतनी ही आ रही, अप डाउन नहीं हो रही। और सेकंड नंबर पर क्रिकेट की ना हम सुबह या परसों क्लास रखेंगे, तो उसमें मैं सारा क्लियर करवा दूंगा। आज यार एक तो तबीयत मेरी सेट नहीं है, और एक लेट हम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इस सर वजह से ना थोड़ा इशू आ रहा है। जो सुबह आप कह रहे थे क्रिकेट का आप कर रहे भी काम वो हो गया कंप्लीट? अभी नहीं हुआ यार, अभी स्ट्राइक कम हो गई है, लेकिन अभी फुल उस पे ना हैंडल नहीं हुआ हमसे। स्ट्राइक पहले आती थी 10 मिनट पे, स्ट्राइक अब जो है ना 18-20 मिनट चली गई है, 18-20 मिनट तक चल रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता 1 से 2 दिन लगेंगे उस पे जो है ना, हम 40 मिनट तक उसको ले जाएंगे इजीली, इंशाल्लाह 40 मिनट चला के। जी तो वो यानी कि वो जब आप ये कर लेंगे कंप्लीट तो तब भी हम वो क्लास रख लेंगे। जी मैं मेरी कोशिश यही है कि दो एक दिन सुबह या परसों हम इसकी ना क्लास रख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और उसके बाद आपने ना क्या करना, आज जस्ट आपने ग्रुप्स निकालने हैं, हर एक कंटेंट का आपने ग्रुप्स निकालने हैं। अभी मैं प्रीमियम की तरफ आने लगा हूँ, बस थोड़ा सा इसको हिंट दे दूँ। अगर फर्ज करें कि आपने जो है ना, मैंने कंटेंट लिस्ट निकाली थी कल यहाँ पे, हाँ ये रही, अगर आपने क्रिकेट पे काम करना है ना, तो इसके 3 से 4 मिलियन ग्रुप्स निकालो, ठीक है, ऑटो अप्रूवल निकालो, जाए पेड़ लेने की जरूरत ही नहीं है आपको क्रिकेट के ऊपर, तो खास तौर ठीक है। समझ आ रही मेरी बात? इंडियन कंटेंट के अंदर अगर आपको इंडियन ड्रामास पे काम करना ना, जिस ड्रामे पे काम करना, सपोज कि मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैंने कुमकुम भाग गया पे काम करना, ठीक है, यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे जो है मैं पेज इसको वही सेम तरीका, यहाँ से मैं ना कोई एक ग्रुप ओपन कर लूंगा जो पब्लिक मुझे लगे ये वाला, यहाँ से मैं इसको ओपन कर लिया। अब मैंने जस्ट इसको ओपन किया, आई थिंक ये फ्री होगा, अगर फ्री होगा तो हमें इसके अंदर से काफी ज्यादा निकल आएंगे। अब देखें ये कितनी देर पहले है, 1 घंटा पहले लाइव चला, इसका हमने पेज ओपन किया, जस्ट कुछ भी नहीं आया ना, अभी जो हम ड्रामा देख रहे हैं इसको मैं इसका चेक करता हूँ, ये वाला लिंक उठा के देख रहा हूँ कॉपी, इसको मैं यहाँ से रिलोड करता हूँ। एक्सटेंशन ये भी बहुत काम आती है, मैं इसको ना चेक करता हूँ, यहाँ पे सारे ग्रुप्स निकाल के दे देगा मुझे, जिसके अंदर उसने शेयरिंग की हुई है ना वो सारे निकाल के दे देता। ये क्रोम वाइज होता है, क्रोम के ऊपर बेस करती है ये एक्सटेंशन, किसी क्रोम में वर्क करती है, किसी क्रोम में वर्क नहीं करती है। चलें मैं कोई और देखता हूँ।
तरह से यार इसके सारा सेम। सर ये एक्सटेंशन मैंने भी किए थे डाउनलोड, लेकिन ये नहीं करती वर्क मेरे लैपटॉप पे। तो नहीं नहीं करती है यार, मैंने इससे बहुत ग्रुप निकाले, बेतहाशा मेरे ग्रुप्स पास नहीं करती है। मेरे पास करती है वर्क। मैं क्रोम का कोई इफेक्ट आ सकता है, अदरवाइज ये वर्क करती है यार। मैंने खुद इससे काफी ज्यादा ग्रुप्स निकाले। मेरे ख्याल से आपको ग्रुप फाइंडिंग में कोई इश्यू तो नहीं होना चाहिए, देखें निकलना शुरू हो गए नीचे। ये थोड़ा स्लो वर्क करती है, लेकिन ये कुछ ग्रुप्स निकालती है, ज्यादा से ज्यादा 50 ग्रुप्स निकाल देगी, उसके बाद ये बंद हो जाएगी। तो इससे बेहतर है, आपका वक्त भी इसमें कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा। यहाँ से जो है ना, देखो अभी हम देख रहे थे 90K थे व्यूज, 1.1K व्यूज हो गए, मतलब इसका कि ये फुल टाइम रिकमेंडेशन में जा रही है, फुल टाइम। इसमें इसको इस वीडियो, ये एक ही वीडियो इसका ना वॉच टाइम विद इन 1 आवर इसका कंप्लीट कर देगी। और मेरा ख्याल है कि ये जो है ना, इसके सारे ग्रुप्स निकाल लेने चाहिए, अदरवाइज ये इसने वीडियो डिलीट कर देने और हमें ये ग्रुप्स भी नहीं मिलने। मैं आपको ना अभी निकाल के दे देता हूँ ग्रुप्स में। क्या याद करेंगे यार, 2 सेकंड लगने, अभी निकाल देते हैं ग्रुप्स। किसी को जल्दी तो नहीं है यार? मैं तो 2 मिनट में क्लास एंड करवा दूंगा, मुझे तो कोई इशू नहीं है। ना नहीं जल्दी कुछ नहीं है। भाई जिसका कंप्लीट होता है ना वॉच टाइम, वो उसी टाइम वीडियो डिलीट कर देता, क्योंकि जो LOC है ना वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम ग्रुप्स निकाल लेते हैं, ग्रुप्स निकाल के हाँ ये एक्सटेंशन में हमें ग्रुप निकाल के देगी, ये पब्लिक ग्रुप होंगे। जी, ये पब्लिक होंगे, इसके अंदर पब्लिक नहीं होंगे, ये वो वाले ग्रुप्स होंगे जो उस वीडियो के अंदर होंगे, मतलब जिस जिस वीडियो का हम लिंक दे रहे हैं ना उसे। अब देखो ये जस्ट इतने से ग्रुप्स निकले, नीचे इतने जिसने ये ग्रुप्स में शेयरिंग किए ना, सारे प्राइवेट ग्रुप्स हैं, उसके अंदर हम नहीं जा सकते। अच्छा अब ये ग्रुप आ गया, अब इसके अंदर हम ये 40 मिनट पहले लगे वीडियो, अब ये वाला पेज ओपन कर ले, ठीक है? ये वाला पेज ओपन के इसने 56 शेयर दिए, अब इसके ग्रुप्स निकालो। इस इश्क पे किसी का जोर नहीं, ये वाला ग्रुप ओपन करो, सारे ग्रुप्स आपको जो है ना अच्छे से अच्छे ग्रुप्स मिलेंगे। ओपन करते हुए सारे फ्री वाले हैं, और कोई भी इनमें जो है ना पेड ग्रुप नहीं होता। जो बल्क में शेयरिंग होती है ना, मतलब 50 10+ शेयर होते हैं जिसके, वो सारे के सारे फ्री होते हैं, 175, ठीक है? ये सारे आपने बचा के रख लेने हैं अभी फिलहाल। अब खुद यार ये कर लोगे, मैं इन सबको डिलीट कर दूँ। अभी हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा रहता है कवर करने वाला, अभी प्रीमियम शेयरिंग के ऊपर आना, वो फाइंड करना, अभी WWE का रहता है ये। मैं तो कहता हूँ इसको ना 2 दिन के अंदर कवर करना चाहिए, ग्रुप्स की फाइंडिंग है जो। अब ये तो हो जाएगा ना क्लियर, आपको इंडियन कंटेंट तो हो गया ना क्लियर? किसी जी हो गया था। का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल हो भाई कौन इस ग्रुप फाइंडिंग के रिलेटेड, तो बता सकता है, पूछ सकता है। अच्छा जी, अब सारे ग्रुप्स इसी तरह से फाइंड करने हैं, जितने भी हमने फाइंड करने हैं ना टोटल इसी तरह से करने हैं। अगर गेमिंग कंटेंट की बात करूं तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सर्च हमने यहीं पे करना है, जिस तरह मैंने पबजी के फाइंड करने, पबजी मैंने यहाँ पर पबजी किया, यहाँ पे जो है ना ग्रुप्स के अंदर आया, ग्रुप्स के अंदर आके यहाँ पे आ गया। अब जो है ना पबजी लाइव स्ट्रीम में करता हूँ तो बेस्ट रहेगा। पबजी लाइव स्ट्रीम किया, ग्रुप्स के अंदर आया, ग्रुप्स के अंदर आके पब्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना गेमिंग कोई भी है यहाँ पे हमें मिल जाएंगे उसके ग्रुप्स। यहाँ पे कोई ग्रुप अच्छा नहीं मिल रहा, कोई सीन नहीं है ऐसा। अच्छा एक चीज आपने नोट की होगी कि जो गेमिंग है ना उसके ऊपर इतने ज्यादा शेयर नहीं होते, क्योंकि वो ओरिजिनल कंटेंट होता है, और ओरिजिनल कंटेंट पे कभी भी शेयर नहीं होते। ये नो मेहर साइन, क्या मैं समझ नहीं आई इस बात की कि नो क्यों बोला, समझ नहीं आई कोई बात, क्या इशू? हेलो
ओके सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। इस गेमिंग के जो हमें ग्रुप्स मिलेंगे ना, मैं यहाँ पे कोई वीडियो सर्च करता हूँ तो शायद कोई मिल जाए वीडियो। अब मैं यहाँ पे लाइव, अब ये लाइव बैठे हुए जी, पबजी ये लाइव खेल रहा है। इसको ओपन किया, इसको भी ओपन किया, इसको भी ओपन कर लिया, ठीक है। और मैं यहाँ से देखता हूँ कि कोई शेयर वगैरह दिए हुए इन्होंने ये नहीं किए। ये देखें 59 शेयर हैं, ये चेक करते हैं ग्रुप्स के अंदर हैं या प्रोफाइल शेयर हैं। ये जी ग्रुप्स के अंदर हैं। लो जी सर, गेमिंग का इशू भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ से ये उठाओ, लगाओ वीडियो अपनी, लगाओ, चलो जी वायरल हो जाओ। हो जाएगा ये गेमिंग का भी हो जाएगा कवर। मैं इसको ना बुक मार्क करने, इसकी मुझे ज़रूरत है, पबजी के मुझे चाहिए यार ग्रुप्स। मैंने एक ओरिजिनल कंटेंट खुद का रेडी करना, आपको भी आज मैंने उसके बारे में थोड़ा बताना, तो गेमिंग का भी। हसन भाई हो जाएगा गेमिंग का? जी मैं सुबह इस पे करूंगा, और भी क्वेश्चन होगा तो फिर मैं पूछ लूंगा। जी, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा जी, आ गया था प्रीमियम कंटेंट। प्रीमियम कंटेंट के लिए जी हमें चाहिए होते हैं बाय एंड सेल्स के ग्रुप्स, ठीक है। बाय एंड सेल्स के ग्रुप्स के अंदर ही हमने WWE की वीडियो अपलोड करनी होती है। हर कंटेंट की, जो भी कंटेंट है ना, हमने उसकी वीडियो बाय एंड सेल्स की अंदर ही पोस्ट करनी होती है। जिस तरह जैसे मैं जी सपोज मैं सर्च करता हूँ रिलैक्सिंग वीडियोस, वीडियोस में लिखा गया रिलैक्सिंग वीडियोस, मैंने सर्च किया जी यहाँ पे जो है, मैं वीडियोस में सर्च करूँगा और यहाँ पे मैं कोई एक वीडियो जो है ना ओपन कर लेता हूँ, कोई भी वीडियो मैं जो है ना ओपन कर लेता हूँ। जो मिलियन के अंदर होगी ना, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है ना ऐसे ही देखने जिसके व्यूज बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, 10K व्यूज है, इसमें इसको शेयरिंग होगी लाजमी। अच्छा जी, ये वाला इसका पेज ओपन किया, पेज ओपन करने के बाद इसका फिर देखना कि कोई शेयर तो नहीं। ये ओरिजिनल कंटेंट है, इसका शेयर होगा भी नहीं, तो हम टाइम ही वेस्ट करते, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो इसके ऊपर आता हूँ मैं, इसका मैं देखता हूँ शेयरिंग, 4 शेयर हैं इसके, 4 शेयर प्रोफाइल शेयर, ये देखे 457 शेयर हैं। अब ये सारे के सारे प्रीमियम शेयर्स होंगे जब इसने प्रोफाइल पे शेयरिंग की हुई है। ये देखें जी, ये ग्रुप मिल गया 83K। ये सारे बाय एंड सेल के ग्रुप होते हैं। अब मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ ग्रुप, ये बाय एंड सेल लिखा आ रहा है। ये सारे जितनी भी वीडियोस वायरल होती है ना, ये सारी इन ग्रुप्स के अंदर ही होती है। अब मैं यहाँ से इस एक ग्रुप से जितने मर्जी लाखों ग्रुप्स फाइंड कर सकता हूँ। कोई वीडियो मुझे मिलती है, अगर नहीं मिलती तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ इसके अंदर कोई वीडियो होगी तो। यहाँ पे मीडिया के अंदर जाना, और मीडिया के अंदर जाके वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। वीडियो के ऊपर क्लिक किया, अब तो यहाँ सर इन इन ग्रुप्स के अंदर जो पोस्ट हैं उनमें तो रिलेशन बिल्कुल नहीं होते, जो क्या नहीं होते पोस्ट पे रिएक्शन हुए होते हैं वो तो होते ही नहीं बिल्कुल भी। यार, इनके अंदर हमें अपनी पोस्ट भी नहीं मिलती है, असल जो बात है। लेकिन हम शेयरिंग इन्हीं के अंदर करते हैं, इनके अंदर से हमारी वीडियो जाती होती है वायरल, समझ आ रही मेरी यानी कि बात? जब ये ग्रुप फाइंड करने हैं तो इनमें हम देखिए चीज नहीं देखनी, रिएक्शन पोर रिएक्शन इनके हो अंदर या ना नहीं हो। देखनी, इनके अंदर नहीं, इनके अंदर जस्ट हमने जो है ना अपनी ग्रुप के मेंबर चेक करने, कितने मेंबर हैं, 83K हैं, 50K से ऊपर। मैं तो वैसे मेरे पास जितने भी ग्रुप्स हैं ना वो 110K से ऊपर ऊपर होते हैं, ठीक है, 120K यहाँ से ऊपर ऊपर होते हैं। मैं कभी भी 100K से नीचे ग्रुप नहीं रखता होता प्रीमियम के, तो मैंने जस्ट 150 ग्रुप्स रखने होते हैं प्रीमियम के, तो वो तकरीबन मेरे पास ना काफ़ी बन जाती है, काफ़ी अच्छी ट्रैफिक बन जाती है।
तो उनके अंदर और 2 से 3 ग्रुप्स में रेंट पे ले लेता हूँ। उनका रेंट होता है 20 हज़ार 25 हज़ार रुपये रेंट होता है उसका, 3 ग्रुप्स का। तो मेरी वीडियो वायरल चली जाती है, समझ आ रही है बात? तो सर वो जो रेंट है उसका, वो यानी कि वो आपको कितना बेनिफिट दे जाता कितना बेनिफिट दे जाता है? है? बेनिफिट उसका यही है ना, देखो अगर एक मंथ में अगर आपके एक भी वीडियो वायरल चली जाती है तो 500+ डॉलर इजीली बन जाते हैं। अब लास्ट मंथ मेरी जो है ना, 2 वीडियोस वायरल गई थी। वायरल तो नहीं, खैर शेयरिंग के ऊपर ही उन्होंने बेस किया था, तो मेरे 701 डॉलर बने थे उससे लास्ट मंथ में जो है एक वीडियो वायरल चली गई थी, सिर्फ WWE की वायरल गई थी, 1058 डॉलर बने थे। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट अभी दिसंबर का मंथ गया, इसमें 701 डॉलर बने। ये सारे इन ग्रुप्स के अंदर हिस्से ही मेरी वीडियोस निकलती हैं, और 3 ग्रुप्स यानी में कि हर पेड पेड ग्रुप में से ही पेड निकलती ग्रुप्स में से निकलती हैं, क्योंकि इनमें से निकल जाते हैं जो फ्री वाले होते हैं। प्रीमियम की जितनी भी खेल है ना, जितना भी ये काम है, ये सारा पेड ग्रुप के ऊपर होता है, प्रीमियम का है। जो इंडियन कंटेंट है ना, वो प्रोफाइल शेयरिंग से भी वायरल हो जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो लोग है ना, वो प्रोफाइल पे अगर शेयर देते रहे इंडियन आईडी से, तो वो एक समझ लें कि अपना कंटेंट होता है जिसको बंदा अपनी जुबान में समझ सकता है। अगर हमने प्रोफाइल शेयरिंग से काम चलाना ना प्रीमियम कंटेंट के लिए, तो उसके लिए हमारे पास आईडी भी प्रीमियम होनी चाहिए, जिनके अंदर प्रीमियम इंग्लिश हमारे पास फ्रेंड हो, मतलब यूएस और यूनाइटेड स्टेट जिनके अंदर इंग्लिश बोली जाती है, वो वाले फ्रेंड होंगे, तो वही वाली आईडी हमें काम देंगी प्रोफाइल शेयरिंग के लिए। समझ आ रही है? जी तो इसके लिए यही एक मेथड है कि इसके अंदर जो है ना, 150K से ऊपर वाले आप ग्रुप्स फाइंड करो। ग्रुप्स फाइंड करके अब देखें ये बंदा, इसकी जो है मैं चेक करता हूँ, अगर इसका पेज पेज नहीं, इसने डायरेक्ट भी इसके अंदर ही वीडियो अपलोड की है। पेज जो है इसका, पेज नहीं है, इस बंदे ने डायरेक्ट इसके अंदर वीडियो अपलोड की है। तो मैं कोई और चेक कर लेता हूँ, ये मैं चेक करता हूँ, रिलैक्सिंग वीडियो, ये रिलैक्सिंग के अंदर हो गया कवर। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। मैं यहाँ से जो है ना, ये वाला पेज ओपन किया मैंने, पेज ओपन करके ठीक ये ओरिजिनल कंटेंट की तरह वीडियोस को लगा रहा है और शेयरिंग नहीं दे रहा, और इसके व्यूज कम ही, अभी मोनेटाइज हो गया या नहीं पेज इसका, मैं चेक करता हूँ। ये पाकिस्तानी बंदा है भाई, नंबर पाकिस्तानी लगाया हुआ है इसमें पेज के ऊपर, और जो है ये मोनेटाइज पेज है, 60,000 इसके फॉलोअर हैं, मोनेटाइज पेज है। अच्छा जी, प्रीमियम शेयरिंग के अंदर ना यही तरीका होता है इसके अंदर, या एक्सटेंशन ये वाली यूज कर लें। ठीक है, अगर ये यूज नहीं करनी तो फिर आप मैनुअल तरीके से फाइंड करें, लेकिन अगर प्रीमियम पे काम करना ना, देखो मैं आपको एक भाई वाला मशवरा देता हूँ, 20-25 हज़ार कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आप इन्वेस्ट करो, उसी मंथ आपकी जो है ना अर्निंग इन्वेस्टमेंट वो सारी निकल आती है। एक भी वीडियो चली गई ना वायरल, एक भी चली गई, तो आपके 500+ डॉलर इजीली बन ही जाते हैं। और जो मैं वीडियोस लगाता हूँ ना अपने पेज पे, मैं कभी प्रीमियम कंटेंट की वीडियो डिलीट नहीं करता। लोग करते हैं, 24 घंटे रखते हैं, वीडियो डिलीट कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं करता, क्योंकि कंटेंट ही यार आप ऐसा फाइंड करो कि जो डिलीट ही ना करना पड़े हमें, लाइफ टाइम हम पेज पे रख सके। जब तक पेज की लाइफ पे रखो उसको, पेज के ऊपर, पेज में वेस्ट तो होना ही होना, रेड तो उसने होना ही होना यार, अर्निंग तो अच्छी दे जाता है ना वो। तो सर रेंट के लिए हमें क्या यहाँ के क्राइटेरिया चेक करना चाहिए ग्रुप का? अच्छा जी, रेंट के लिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं बताता हूँ आपको रेंट के लिए क्या आपको करना चाहिए। सबसे पहले मैं ग्रुप्स के अंदर आता हूँ, तो जो इसी ग्रुप का, मैं सपोज कि मैंने इसी ग्रुप का चेक करना है, इसी ग्रुप का चेक करना। सबसे पहले इसका अबाउट सेक्शन देखना, अबाउट सेक्शन देख के इसकी हिस्ट्री के अंदर जाना। हिस्ट्री के अंदर ये देखो, इसने कितनी दफा नेम चेंज किया, इसका मतलब है कि ये ग्रुप जो है ना, ये डेड है, इस ग्रुप के करीब भी नहीं जाना। ऐसा ग्रुप लेना जो हम, जिसका एक दफा भी नेम ना चेंज हुआ हो, और वो जो है ना लास्ट मंथ लास्ट ईयर के अंदर ही बना हो, नेम 2022 के अंदर जो बना हो, ऐसा ग्रुप लेना। ठीक है, सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे लास्ट वीक के अंदर, लास्ट
लास्ट मंथ के अंदर जो है ना 10 10 के प्लस इसके ज्वाइनिंग होनी चाहिए, ठीक है, ग्रुप की 10 के नहीं तो 5 के तो होनी चाहिए। और यहाँ पे जो वीडियोस हैं वो तो आपको पता है पेड में उसके ऊपर होता है, एडमिन के ऊपर होता है कितने लोगों को एक्सेस देता है वो वीडियो अपनी पोस्ट करने की, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 से 4 चीज होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हिस्ट्री चेक करनी है, हिस्ट्री चेक करने के बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग चेक करनी है, ज्वाइनिंग चेक करने के बाद इसके आ जाना है पोस्ट के ऊपर, आ जाना है डिस्कशन में आना और इसके रिएक्शन चेक करना है। ये 13 मार्च को लगी है, 4 रिएक्शन है। ये देखो पेज, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये डेड है पेज बिल्कुल, इसका ये ग्रुप बिल्कुल वेला है, इसका कोई भी सीन नहीं है, ऐसे ग्रुप्स नहीं लेना है हमें, ठीक है। ऐसा ग्रुप लेना है अगर पेड लेना है ना तो ऐसे ग्रुप लेना है जिसके एक दिन के अंदर कम से कम 200 रिएक्शन तो होने चाहिए एक पिक के ऊपर, एक पोस्ट के ऊपर 200 रिएक्शन तो होने चाहिए, ठीक है। समझ आ गई बात?